नमस्कार, डोगरी खबरें सुनदा स्वागत है। मैं अमालू शर्मा ते सबने शा पहले खास खास खबरां। प्रधानमंत्री होरें आख्या स्वच्छ ते स्वस्थ भारत के बनी सकदा है समृद्ध भारत। अपने मासिक रेडियो प्रोग्राम मने दी गल च अज उन्हें मुल्खें दी उपलब्धियों की भी किता उजागर। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह होरें लाया इल्जाम, आख्या कि कश्मीर केंद्रित सियासी पार्टियों कारण आतंकवाद की मिला करदा है बढ़ावा। रियासता दी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल होरें सांबा च मेगा लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम का किया उद्घाटन। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मृणाल सेन हुंदा काल, राष्ट्रपति होरें प्रकट किया बसोस। हुण खबरां तफसील करने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आख्या जे स्वच्छ ते स्वस्थ भारत के समृद्ध भारत बनी सकदा है। रेडियो ते दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले अपने मासिक प्रोग्राम मने दी गल दी अज दी कड़ी के संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री होरें 2018 बरे दौरान भारत की तरफा हासिल उपलब्धियों का जिक्र करते हुए लोकें की 2019 बरे दियां शुभकामना दित्तियां। उन्हें मेद बनी जे नवें बरे च भी मुल्क अपनी तरक्की की रफ्तार की बनाई रखोग। श्री मोदी होरें मेले त्यौहारे का जिक्र करते हुए अगले महीने प्रयागराज च लगने वाले कुंभ दी खासियतें ते उहदे अध्यात्मिक महत्व की उजागर किया। उन्हें नौजवानों की भी आख्या जे वह कुंभ जने विशाल कार्यक्रमें च शामिल होइए जीवन बारे नवे तजुर्बे हासिल करन। प्रधानमंत्री होरें अज दे अपने इस प्रोग्राम च कश्मीर की 12 बरे की कुड़ी हानिया का खास तौर पर जिक्र किया जिन्हें कराटे च गोल्ड मैडल जितया। प्रधानमंत्री होरें उहदे खरे भविष्य लई अपनी शुभकामना भी प्रकट कीतियां। तीनों में परमाणु शक्ति संपन्न हो गए। मैं कश्मीर की एक बेटी हनाया निसार के बारे में बताना चाहता हूं जिसने कोरिया में कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। हनाया ने मेहनत और लगन से कराटे का अभ्यास किया, उसकी बारीकियों को जाना और स्वयं को साबित करके दिखाया। रजनी ने जूनियर महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। रजनी ने बताया कि उनके पिता ने उसे यहां तक पहुंचाने में बहुत त्याग किया है। सांबा जिले च लोकें प्रधानमंत्री हुंदे मन की बात कार्यक्रम की अज बड़े शोक कन्ने सुनिया। उन्हें आम लोकें कन्ने अपने विचार सांझे करने लई प्रधानमंत्री हुंदा धन्नवाद कीता। जिले दे रांझड़ी ग्रां दे बसनीकें भी सबने भारतीय नागरिकें आस्ते मुंडली सतह पर केंद्र पासिया नेका विकास स्कीम आरंभ करने लई प्रधानमंत्री हुंदा धन्नवाद कीता। मेरे प्यारे देशवासियों, जनवरी में उमंग और उत्साह से भरे कई की भावना की महक, लोगों को आज तक जो किसी ने नहीं किया था, इतनी सरकारें आई किसी ने नहीं किया था जितना नरेंद्र मोदी ने किया लोगों के लिए। हर घर घर में उन्होंने, जैसे कि हमारी बुजुर्ग महिलाएं सारा सारा दिन मतलब आग जलाने में लगी रहती थी, तो उन्होंने देखो घर घर में जाके ये गैस कनेक्शन दे दिए हैं। हमारे बुजुर्ग थे उनको बाहर टॉयलेट जाने की प्रॉब्लम होती थी, नरेंद्र मोदी जी ने घर घर शौचालय पहुंचा दिए। इयां के उधमपुर जिले के शहरे नगरें ते ग्रां च भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदे रेडियो कार्यक्रम मन की बात की लोकें अज बड़ी ही दिलचस्पी कन्ने सुनिया। लोकें दा गलाना है जे इस कार्यक्रम दे राय उन्हें की पता लगदा है जे सरकार आसिया केड़े केड़े सैक्टरें च तरक्की होआ करदी है। लोकें दा गलाना है जे मन की बात राय प्रधानमंत्री हुंदे आसिया जनता की कीती जाने वाली अपील ने कन्ने हुंदा हौसला बधदा है ते ओह स्वच्छ भारत जने अभियान च बढ़ चढ़िए हिस्सा लैंदे ने। जानकारी मिलती है कि हमारे हिंदुस्तान में क्या क्या कुछ हो रहा है, हम क्या क्या काम कर रहे हैं जनता के लिए, जनता जनार्दन के लिए, तो ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। सब लोगों को ये मिलजुल के सुनना चाहिए, बैठ के सुनना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी के क्या विचार हैं, उनको देश चलाने में कित सहूलता मिलती है, हम उनको फीडबैक देते हैं। तुआई के राजौरी जिले के बख बख हिस्सों च भी लोकें मन की बात कार्यक्रम च बड़ी रुचि दसी। जिले के दलोड़ा ग्रां के लोगों का गलाना है जी प्रधानमंत्री होरें अज के मन की बात कार्यक्रम च नेकां महत्वें वाले मुद्दे पुट्टे ते बख बख विषय पर जनता कन्ने सीधे गलबात कीती। अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी सोहनी गल कीती है और हर महीने के आखिरी एतवार की मन की बात का प्रोग्राम रखा जड़ा बड़ा चंगा लगता है और हमेशा सुनते हैं, आज भी सुनिया है। आज उन्होंने बड़ी सोहनी रोशनी पाई है, एक तो गुरु साहबान की जिंदगी करतबा से रोशनी पाई है, महात्मा गांधी के बारे च भी दसिया, बच्चों के खाण पीन के बारे च दसिया, तो कुंभ का मेला जड़ा।
प्रधानमंत्री कार्यालय च राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह होरें कश्मीर केंद्रित सियासी पार्टियें दी नुक्ताचीनी करदे होए इल्जाम लाया जे ओह अपने राजनीतिक स्वार्थ लई आतंकवाद दा समर्थन करा करदियां न। कठुआ च भाजपा दे नवरत्न सम्मेलन की संबोधित करदे होए डॉ सिंह होरें यह इल्जाम भी लाया जे ऐसियां सियासी पार्टियां वोट बैंक दी खातिर सुरक्षा बलें दी नुक्ताचीनी करा करदियां पर हुण समां बदली गया है ते उंदी एह कोशिश लोक कदें भी कामयाब नहीं होण देंगन। मैं तो मेरा ये कहना है और हमारा पार्टी का भाजपा की तरफ से भी हमारा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी और इसके सहयोगी दल ये स्पष्ट करे कि वो आतंकवाद का समर्थन करते हैं कि उसका विरोध करते हैं। इस समय जबकि मोदी सरकार के निर्देश अनुसार और राज्यपाल के शासन के चलते बड़ी हद तक आतंकवाद पर नियंत्रण पाने में सफलता प्राप्त हुई है, सीमा के भीतर भी और सीमा के पार से होने वाली शरारत पर भी, ये कुछ एक लोग भले ही वो अलगाववादी नेता है या वो तथा कथित मुख्य धारा के नेता हैं जो अलगाववाद का एजेंडा चला रहे हैं मुख्य धारा के चोले के पीछे, ये हर समय हर अवसर पर ऐसे बयान देते रहे जो अपोलोजेटिक बयान थे। आतंकी को आतंकी कहने का इनमें ना साहस है ना निष्ठा है। ये कभी फौज को गाली देते रहे, कभी एयरफोर्स को गाली देते रहे, कभी भारत की प्रभुसत्ता को गाली देते रहे। ये समझते थे कि आतंकवाद के प्रति सहानुभूति दिखा करके इन्हें कुछ वोट प्राप्ति में सफलता मिलेगी या सहायता मिलेगी। आज यही लोग जो आतंक का सहारा लेके भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखने का प्रयास में लगे थे, आतंक आज इनके सर पे सवार होकर के बोल रहा है। महबूबा मुफ्ती। पाकिस्तानी सेना ने पुंछ सेक्टर च संघर्ष विराम की खिलाफ वर्जी करते हुए अज परतिये कब्जा लाइन के पारा गोलीबारी की। बडले तकरीबन 11:30 बजे शुरू की गई इस गोलीबारी च पाकिस्तानी सेना ने भारत की गेतरी चौकियों से नागरिक बस्तियों की लोगों से बड़े हथियारों के अपना निशाना बनाया। भारतीय सेना की तरफा भी एदा बराबर जवाब दिता गया। दोनों तरफा गोलीबारी तकरीबन 12:15 बजे तोड़ी जारी रही। उमा इस घटना च कुसे दे भी हताहत होने की खबर नहीं है। दिन में बहुत बड़ा फायर हुआ, जंगल में आग लगा हुआ है, डर लगता है। पशु पालन, भिड्ड पालन ते मछली पालन महकमे दे प्रिंसिपल सचिव डॉक्टर असगर हसन सामून होरें अज डोडा च मछली पालन महकमे की नवी बनाई गई इमारत का उद्घाटन किया। 1.5 कनाल रकबे पर फैली दी इस इमारत के निर्माण पर 26,26,000 रुपए की लागत आई है। उद्घाटन मौके महकमे के डायरेक्टर RN पंडिता ते और दुए अधिकारी भी मौजूद हे। आपने देखा फिशरीज का एक हमने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस यहाँ पे हक्षल किया। अब सारे तीनों जिलों में हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस किराए पे नहीं है अपने हैं। एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री के काफ़ी सारे यहाँ पे कोई 1,000+ सेंटर हैं जो किराए पे चल रहे हैं। उनको किराए भी बहुत कम देते हैं, किसी को 50, किसी को 100 रुपये। किराया भी बढ़ाने की जरूरत है और इसके साथ साथ अपने सेंटर भी बनाने हैं, इसी वजह से मैंने यहाँ पे विजिट किया। सांबा च अज एक व्यापक कानूनी सेवाएं ते जागरूकता संबंधी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन आसिया जिले की कानूनी सेवा अथॉरिटी के सहयोग कन्ने बीरपुर थार लुआए गए इस प्रोग्राम का उद्घाटन रियासत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल होरें किया। अपने भाषण च न्यायाधीश गीता मित्तल होरें विद्यार्थियों की उनके कानूनी अधिकारें ते कन्ने कन्ने जिम्मेदारियों की जानकारी भी दिते जाने पर जोर पाया। इस मौके पर उन्हें बख बख कानूनी स्कीमें का लाठ वाने वाले लाभार्थियों के सर्टिफिकेट ते सहायता भी तकसीम की। समारोह च विद्यार्थियों की तरफा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया गया। किसानों की काश्तकारी की नवी टेक्नोलॉजी बारे जानकारी देने लिए भद्रवाह च कृषि विज्ञान केंद्र की तरफा एक रोजा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों की रुख बूटे दें बख बख बनकियों की सुरक्षा ते किसानों के अधिकारे संबंधी कानून की जानकारी भी दी गई। इस मौके पर स्कॉस जम्मू के वाइस चांसलर प्रोफेसर PK शर्मा और मुख्य परौने शर्मा होरें अधिकारियों का आह्वान किया जो मुकामी सतह पर काश्तकारी के बढ़ावे किसानों कन्ने नेड़मा राबता बनाइए काम कर से निकल के आई है। आज जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि सब लोगों से ये आपके पूरे चनाब वैली से आपके साथ कहीं गांव है कोई
या कोई एरिए ऐसे है जो, और वो मटेरियल भी हमारे पास ऐसा कोई आ जाए तो उसको भी हम रजिस्ट्रेशन के लिए भेज सकते हैं। जो हमारा मटेरियल है जो सदियों से चलता आ रहा है उसे हम कैसे संभाल कर रखें और जो उसको संभाल के रखता है उसको कैसे प्रोत्साहित करें। एक गैर सरकारी संस्था वी द ह्यूमन ट्रस्ट फोरम फॉर नेचर एंड मैनकाइंड की तरफा जम्मू च एक समारोह दौरान अपनी कारकर्दगी संबंधी एक पत्रिका जारी की गई। इस मौके पर नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से जम्मू यूनिवर्सिटी के सबका वाइस चांसलर प्रोफेसर आर डी शर्मा और मुख परौने हैं। समारोह की प्रधानता खुराक सप्लाई महकमे जम्मू के डायरेक्टर अमित शर्मा और की। इस दौरान उन्हें विद्यार्थियों की सम्मानित किया गया जिन्हें समय समय पर आयोजित कार्यक्रम में पहलियां थार हासिल की। समारोह दौरान वक्ताएं पर्यावरण के संरक्षण पर जोर पाते हुए आख्या जे ए मनुखी जीवन का आधार है। डेवलपिंग कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, इकोलॉजिकल बैलेंस इतना डिस्टर्ब हो चुका है, या तो बारिशें पड़ती हैं तो बहुत ज्यादा होती हैं, नेचुरल क्लाइमेटीज इस तरह आ जाती हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, वी कॉज एनी डिटेरियरेशन हियर इट इन आवर पार्ट ऑफ द सिटी इट्स इफेक्ट्स would be in any other part of the globe. The cleanliness of the city is based, depends on the how we handle knowledge base. Plastic ka use kam kiya jaye, pesticides, insecticides, ye jo hain inko, inka istemal bhi kam hona chahiye. To we the human ka yehi ek maksad hai ki hum water bodies, forest, environment ko clean and green rakhe. श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चौं साहबजादे की शहादत के सिलसिले च पुंछ च सिख तबके की तरफा चेतना मार्च कटिया गया। यह मार्च शहरा के बख बख हिस्से चा लंघने परंत गुरुद्वारे पुजी संपन्न हुआ। मार्च च शामिल संगत गुरु महिमा से शब्द कीर्तन करा करती ही। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय जरनैली सड़क पर सांबा शहर को अज बड़े होते एक सड़क हादसे च एक जने की मौत हो गई तो एक जख्मी हो गया। यह हादसा उसले पेश आया जिसले मार्बल कन्ने लुत हुए थे जम्मू पक्षी आवा करते ट्राले पर ड्राइवर का नियंत्रण नहीं रहा तो वह सांबा थमां कोई 100 मीटर पिछे एक नाले जाई पिया। हादसे च ट्राले के ड्राइवर की मौके पर के मौत हो गई। जख्मी हुए दुए जने की सांबा के अस्पताल च दाखिल कराया गया है। जम्मू के प्रसिद्ध सैलानी थार मानसर च अज एक डोगरी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सरोईसर मानसर विकास अथॉरिटी की तरफा एक साहित्यक संस्था मेरी मित्र मंडली के सहयोग ने आयोजित इस कवि सम्मेलन च जम्मू के अलावा उधमपुर पंचैरी बसंतगढ़ बसोली ते रियासी थमां आए दे कवियें अपनी अपनी रचना पेश कीतियां। चल मड़ा जाना सागर पार, औरे कुन ललारिया कोली बैठा नील, नीले नखरे सोब दी मानसरै दी झील, नीले नखरे सोब दी मानसरै दी झील। ओ सुक्की रुट्टी भी, ओ सुक्की रुट्टी भी बंदिया खाई जारदा, औ तत्ती है ठंडी है आखिए अपनी जीबा दा स्वाद लाई जारना। ਸੁਣਿਆ ਜਾੜੇ ਚਿੱਤਰੇ ਗਿੱਦੜ ਕੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਛੰਦਾ ਤੁੰਦਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। मन्ने पर मन्ने दे बंगाल ते इंदे फिल्म निर्माता मृणाल सेन हुंदा अज बड़ले कोलकाता च काल हो गया। पद्म भूषण ते दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कन्ने सम्मानित मृणाल सेन होरे 1955 च रात मोरे फिल्म कन्ने बतौर निर्देशक फिल्म जगत दा अपना सफर शुरू कीता। अंतरराष्ट्रीय सतह के 12 पुरस्कार हासिल करने वाले मृणाल सेन इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन के भी सदस्य है। उन्दे आसियां बनाई दी एक दिन अचानक, मृग्या, अकेलर, संधाने, करोसा, भुवन शोम ते आकाश कुसुम नई फिल्में की अंतर्राष्ट्रीय सतह पर प्रसिद्धि हासिल हुई। भारत च समांतर फिल्में के जन्म देने वाले मृणाल सेन उनकी मृत्यु पर बसोस प्रकट करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होरें ट्वीट करिए आख्या जे समाज दिए
सच्चाइयें की पंछाने की उन्दी खासियत ने मृणाल सेन होरें की टकोदी पंछान हासिल कराई। सूचना ते प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर होरें भी मृणाल सेन हुंदी मृत्यु पर दुख ते बसोस प्रकट किया। जम्मू च चला करदे अंतर बटालियन पुलिस खेड समारोह अज संपन्न होए गए। इस मौके गुलशन ग्राउंड जम्मू च लोआए गए ते समापन समारोह च रियासती पुलिस दे डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह होर मुख परौहने हे। उन्हें आयोजकें दी सराहना करदे होए आखिया जे इस चाली दे कार्यक्रम पुलिस च शामिल नौजवान खिडारियों की अपनी प्रतिभा दा प्रदर्शन करने दा मौका दिंदे न। उन्हें जेतू टीमें ते खिडारियों की मुबारकबाद दिंदे होए आखिया जे जेड़े इस बारी कामयाब नहीं होए ओ निराश नहीं होण ते अपनी मेहनत की जारी रखन। बाद जेतू टीम ते खिडारियों की इनाम भी वंडे गए। की टीम को गुजारिश करता हूं कि वो मेहमान से अपना मैं एक ही फॉर यू शाबाश एंकरिंग करती है।